हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। एंड आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड मौसम आज का है सुहाना, तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। दिखाते हैं आपको बाहर का सीन। बच्चे को मैं पार्क लेके जाता हूँ। काफी देर से बोल रहे थे कि चलो पार्क में घूमने चलते हैं, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है एंड हो सकता है बारिश के भी चांसेस है आज, तो देखते हैं कैसा रहेगा मौसम। एंड आई होप आप इस वीडियो को इंजॉय करेंगे। लाइक कीजिए मेरी इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज चलो इंजॉय करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों देखिए, सडनली बारिश स्टार्ट हो चुकी है एंड दक्कू एंड मन्नू एंजॉय कर रहे हैं इस बारिश का। हालांकि सामने आप जो है धुआं धुआं देख रहे हैं, बहुत तेज बारिश है। जस्ट नाउ हमारे यहाँ पे तो रुकी हुई है बारिश एंड सामने जो आप धुआं धुआं देख रहे हैं वो बहुत खतरनाक वाली बारिश पड़ रही है वहाँ पे। तो बेंगलोर का मौसम बड़ा मस्त है, हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। तो देखिए यहाँ का मौसम आप सामने देख सकते हैं, बहुत खतरनाक बारिश चल रही है। एंड जस्ट इसी के अपोजिट जो है बिल्कुल सूखा पड़ा है राडा, जिसको हम बोलते हैं अक्सर गांव में। एंड ये देखिए बादल ऊपर कितने छाए हुए हैं, घनघोर जबरदस्त मौसम एकदम से। तो आप क्लियरली देख सकते हैं सामने बहुत तेज बारिश है और हवा देख लीजिए यहाँ पे कितनी अच्छी हवा चल रही है। गजब वाला मौसम बन गया एकदम से। पकौड़ी तो हमने कल खा लिया है, दोबारा कहाँ खाएंगे यार। बारिश यहाँ पे पहुँच चुकी है, आप ये सामने देख सकते हैं कितनी तेज बारिश है। ये देखे कितनी बढ़िया बारिश पड़ रही है, बार बार रुक जा रही है एंड बार बार हो जा रही है। बहुत अच्छा मौसम हो गया है एकदम से, ठंड और बढ़ चुकी है। हालांकि यहाँ पे ठंड पहले से बहुत ज्यादा है, मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे जा रहा है 20 एंड मैक्सिमम आई थिंक 25 या 26 जाता है, तो जिसके कारण बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी रहती है यहाँ पे ऑलवेज। एंड ये हमारे अपार्टमेंट के नीचे का पोर्शन है। गाइज बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है, आप ये सामने देख सकते हैं कितना आलम खराब है यहाँ पे। खतरनाक वाली बारिश जिसको कहते हैं वो हो रही है यहाँ पे। एंड मैं सामने देख सकता हूँ हर जगह पानी ही पानी भर चुका है अभी। हालांकि मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि बाहर तेज बारिश है। ये देखिए सामने पानी कितना भर चुका है एंड बारिश बहुत बढ़िया हो रही है, ठंड वाली बारिश हो चुकी है। तो बहुत सुहाना मौसम हो चुका है गाइज, आप सामने देख सकते हैं। अभी तक तो आपको बिल्डिंग दिख रही थी बट अभी वो भी नहीं दिख रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर वाली बारिश हो रही है यहाँ पे। हालांकि मैं जूम भी करता हूँ तो कुछ नहीं दिखाई देता, ओनली फॉग टाइप से दिखाई दे रही है। एंड ये देखिए बारिश आपको सामने नज़र आ रही है कि बहुत तेज़ बारिश है। तो आज तो गाइज मज़ा आ गया बारिश में, बहुत दिनों के बाद तो नहीं है बारिश, ये मतलब लगभग होती रहती है यहाँ पर एवरी डे। आज कुछ ज़्यादा मात्रा में बारिश हो चुकी है, हालाँकि थोड़ी इससे कम रहती है। एंड ये देखिए कैसी हवा के साथ कितनी तेज़ बारिश चल रही है। हमारी बालकनी में भी पानी आ चुका है, तो थोड़ा सा मुझे पीछे हटना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, पैर मेरे गीले हो चुके हैं। एंड आप ये देख लीजिए पानी भर चुका है यहाँ पे। टक्कू एंड मन्नू मस्ती उतार रहे हैं बारिश में। We'll be right back.
तो गाइज देख लीजिए, मौसम जो है साफ़ हो चुका है। अभी बारिश हो रही थी कुछ देर पहले एंड ये सारी बिल्डिंगें कुछ भी नहीं दिख रही थी, तो इतनी ख़तरनाक बारिश थी यहाँ पे। एंड ये कुछ पिजन्स रहते हैं यहाँ बिल्डिंग में सामने वाली में, तो अभी भी मौसम ख़तरनाक ही बना हुआ है। बट इट्स ओके नाउ, हम अभी जाएंगे बाहर ऐसे ही सिंपली, कुछ थोड़ा सा सामान लेके आना है, एक दो सामान सब्जी वगैरह, तो सोचा कि चलो आज घूम ले। तो बच्चे तो आज एक हफ्ते बाद बाहर निकल रहे हैं, जब से हम चेन्नई से आए हैं आई थिंक 8 दिन हो गए, 8 से 10 दिन, तो आज ये बाहर जाएंगे इतने दिनों में। अब पहले इधर मौसम साफ था, अब इधर बादल हो गए और इधर भी एंड हमारे ऊपर बिल्कुल मौसम साफ है एकदम से। तो गाइस ये देखिए, शहर से थोड़ा बाहर यहाँ पे जंगल काट रहे हैं, तो यही गलत चीज़ हो रही है। आने वाले टाइम में यहाँ पे भी बिल्डिंग ही बिल्डिंगें दिखेंगी आपको एंड गर्मी का लेवल जो है बढ़ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एरिया है, अभी जंगल खड़ा है यहाँ पे, तो देखते हैं आगे जाके और क्या क्या मिलता है हमको। देखिए गाइस, हम आ चुके हैं और थोड़ा अंदर सामने फिर घर स्टार्ट हो चुके हैं। तो उससे पहले यहाँ पे है लिपस्टिक का जंगल, सफेद का जंगल जिसको बोल सकते हैं आप। तो बहुत सारे पेड़ पेड़ खड़े हैं, हम पीछे से आए हैं जो आप ये सामने रास्ता देख रहे हैं यहाँ से। तो किसी शहर, बड़े शहर के आसपास आपको ये एरिया दिखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, पेड़ पौधे खड़े हैं। यूमी प्लीज, इधर इधर, ओ वेरी सैड, दे दो प्लीज थोड़ा सा, मैं नहीं आपको पापा, मैं नहीं हूँ। आपने देखा हमारा दक्षु महाराज कैसे लड्डू देने से मना कर रहा है, हालांकि लड्डू हम लाए, हमने दिया और हमें अब देने से इनकार कर रहा है। तो लेट्स सी, एक बार और ट्राई करते हैं, शायद कैमरे के सामने दे दे, दे दो लड्डू, दे दो, हाँ दे दो ना भाई, लड़का अड़ावा है। तो गाइस हमने एडिशनल फिल्टर मंगाया है जिसमें से पहले पानी छन के जाएगा अंदर इसमें, एंड देन ये भी फिल्टर अपना प्रोसेस करेगा, देन फाइनली आउटपुट आएगा बाहर। तो ये लगाना ज़रूरी होता है कि जो भी पानी में फर्स्ट लेवल पे कूड़ा कचरा आता है वो इसी फिल्टर में रुक जाता है, तो आगे जो है पानी साफ जाता है एंड फिर ये वाला अपने आप और ज़्यादा पानी को साफ कर देता है। तो ये हमने अमेजोन से ऑर्डर किया था, तो इसको लगाने के लिए चाहिए ड्रिल मशीन, जो कि हमारे रवि भाई लेके आए हैं अपने घर से। तो गाइस सेटअप कंप्लीट हो चुका है, इंस्टॉलेशन एक्स्ट्रा फिल्टर का। आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। तो मिलेंगे हम आपको एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।